एक और बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। दबंगों ने दुकान का ताला तोड़ा है, दुकानदारों में रोष है, बाजार बंद किए गए हैं, पुलिसकर्मी पर बदसलूकी का आरोप लगा है, व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग की है, व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग की है, दबंगों ने दुकान का ताला तोड़ा है। यह खबर सामने आ रही है पानीपत से और इसको लेकर दुकानदारों में गुस्सा नजर आया है, रोष नजर आया है, जिसके चलते दुकानदारों ने बाजार भी बंद कर दिया। इधर व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की पानीपत से आपको बता रहे हैं। देखिए पानीपत से मामला सामने आया है, पुलिसकर्मी पर बदसलूकी का आरोप लगा है, व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर पुलिस पर ही बदसलूकी का आरोप जो है व्यापारियों की तरफ से लगाया गया है। देखिए इस समय हम पानीपत के रेलवे स्टेशन, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के हालात क्या हैं। देर रात्रि को दुकान का ताला तोड़ा जाता है और कब्जा करने की कोशिश की जाती है। आप चारों तरफ ये सामान भी देख रहे हैं, वहीं हम जानकारी भी लेंगे कि क्या कुछ हुआ दुकान में, किस तरीके से क्या कुछ हुआ भाई। हमारा डिस्प्यूट का केस चल रहा है जी कोर्ट में और ये बदमाशों ने दुकान खरीद लिया, हमें नहीं पता, हमारी बिना मंजूरी के ये दुकान खरीद लिया और रजिस्ट्री भी करवा लिया, वो भी नहीं हमें पता थी। पिछले 1.5 साल से हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, फ़ोन आ रहे हैं उनके दुकान पे, बकायदा वो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, गोली मार देंगे। और कौन लोग हैं जिन्होंने ये दुकान खरीद रखी है? प्रॉपर्टी डीलर है और बदमाश हैं। आपका 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 इस पर क्या कब्जा है या आपके नाम है? नाम तो मम्मी के थी, ये मेरे ससुर साहब गुजर चुके हैं, सिर्फ मम्मी थी हमारे घर में बड़ी, तो उन्हीं के नाम करवा रखी है ये दुकान। अब ये जबरदस्ती हो रहा है? हाँ जी जबरदस्ती हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता है इस बारे में। क्या कुछ हुआ रात को? रात को तो हमें नहीं पता जी, हम 7:30 बजे अपनी दुकान बढ़ा के गए, उसके बाद 10:30 बजे भी हम एक बार चक्कर काट के गए हैं, तब तक कुछ नहीं था। फिर क्या ये सामान सब फेंका हुआ? सामान ये देखो, ये ताला हमारा लगा हुआ था, ये ताला उससे वेल्डिंग से काटा गया है और ये वेल्डिंग से काट के और कब्जा किया गया है। फिलहाल कोई सूचना दी है पुलिस को? हाँ जी दे दिए। कौन गए हैं पुलिस को? मेरे हस्बैंड गए हुए हैं और यहाँ से जो प्रधान जी हैं वो भी गए हुए हैं और भी लोग। आपका क्या नाम? मेरा स्वीटी बंसल। जो जिन लोगों ने कही इस तरीके की वारदात, उनका कोई नाम वगैरह? तेज सिंह है उनमें एक और दूसरे मेरे को पता नहीं है नाम। अभी आपने बोला कि आपको, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बता दें कि यहाँ के हालात, और दूसरी तरफ जिस तरीके से रात को जो है ये सामान फेंका गया, वहीं आम पब्लिक में मैं कहूँगा कि ये रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे रोड की जो है मार्केट है, पूरी मार्केट को जो है बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की सूचना जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन को भी दी गई है। फिलहाल हम आपको बता दें कि पूरी मार्केट जो है वो मार्केट बंद है। वहीं हम यहाँ के जो यहाँ पर जो व्यापार करते हैं, जो काम करते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाऊ जी ये क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्या इस दुकान पे कब्जे का झगड़ा हुआ? देर रात को, रात को तो पूरी मार्केट आप लोगों ने बंद कर, मार्केट बंद कर रखी। हाँ बिल्कुल बंद कर रखी है। वो जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया कब्जा लेने का, वो पुलिस के साथ मिल करके वो नजायज कब्जा लेना चाहते थे। ताले भी तोड़े गए, ताले तोड़े गए। क्या नाम है भौजी? मेरा नाम जेबी वर्मा। क्या कहेंगे भौजी? रात को 12 बजे ताले तोड़े गए हैं। पूरा रेलवे रोड बंद है। प्रधान जी ने बंद करवाया। प्रधान सवेरे पुलिस वाले आए तो प्रधान जी को कहा, भाई प्रधान जी का नाम अनिल मदान हूँ, प्रधान हूँ रेलवे रोड एसोसिएशन का, और कल चल तू भी बैठ थाने में। पुलिस वाले ये कहो है, पुलिस तू भी चल थाने में। मतलब पुलिस वालों ने बदतमीजी की? क्या किसी को शिकायत वगैरह की आपको? शिकायत तो जब करते थे वो पुलिस वाले यही खड़े थे। फिलहाल अब कुछ क्या कुछ कर रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, वहीं जा पहुंच रहे हैं। अरे मैं उसका सुंदरलाल, देखिए ये बुद्धिजीवी लोग हैं और यहाँ पे हमारे साथ और भी बैठे हैं, सभी काम कर रहे हैं। भाऊ जी क्या नाम है इसका? कोई ये दुकान पर रात ने कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया, ताला तोड़ कर सामान बाहर निकाल दिया, और सवेरे प्रधान के साथ हमारा जो प्रधान है वो रेलवे का प्रधान है और संयुक्त व्यापार मंडल का चेयरमैन है, एक अच्छी इमेज का आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। उसके साथ पुलिस ने बदतमीजी की, उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन, पुलिस के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मूड में। सिटी थाना में हैं? सिटी थाना। हाँ जा रहे हैं, हम पुलिस में जा रहे हैं, और वो जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड करा के छोड़ना हमने। तो मार्केट पूरी बंद करी है? पान पत अभी तो रेलवे रोड बंद हुआ, हम पूरा शहर बंद कराने के लिए तैयार है। पूरा पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं है? पूरा शहर बंद होगा। क्या नाम है? वाइस प्रेसिडेंट जोगीराम गोयल। देखिए जोगीराम गोयल जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि अगर इस तरीके
इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जिस तरीके से पुलिस ने जो है नाजायज किया, बदतमीजी की और देर रात्रि को ताले तोड़े जाते हैं, तो उनका कहना है कि अभी तो फिलहाल पानीपत रेलवे रोड की मार्केट बंद हुई है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती तो हम पूरा पानीपत बंद करेंगे। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, पानीपत।